भारतीय रेल की यही पहचान, जो कहा वो किया और करेंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर की ओर से नोटिफिकेशन CEN जनवरी 2018 में निकाले गए 1681 वैकेंसी में 1579 उम्मीदवारों का चयन किया गया। इनमें 882 उम्मीदवारों के अपॉइंटमेंट जारी किए गए। इन 882 उम्मीदवारों में से 397 जरूरी ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग हो चुकी है। बाकी बचे 485 उम्मीदवारों की ट्रेनिंग 15 जून से शुरू हो चुकी है, जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में रुकी थी। रेलवे की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत पर्याप्त रिक्तियां उपलब्ध नहीं थी, जिस वजह से बाकी जो उम्मीदवार सिलेक्ट हुए उन्हें रेलवे के दूसरे जोन में एडजस्ट किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट रेलवे के 4 अधिकारियों के खिलाफ पोजीशंस के अतिरिक्त आवश्यकता देने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू की गई है। इतनी पारदर्शिता के बाद भी मीडिया का एक वर्ग अपॉइंटमेंट के बाद भी नौकरी ना दिए जाने से जुड़ी भ्रामक जानकारी का प्रसार कर रहा है, जो सरासर गलत और फेक है। उम्मीदवारों से आग्रह किया जाता है कि वे केवल इन आधिकारिक संचारों पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे झूठे प्रचार और अफवाहों से भ्रमित न हों।